पता है कभी कभी ना मुझे मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं पड़ती, घर की हालत और मम्मी पापा को देखकर ही हो जाता हूँ। खास करके अपने रूम की दीवारों को देखकर पता नहीं कब ठीक कर पाऊंगा। वैसे मेरे इंस्टाग्राम में 50,000 फॉलोअर्स है और तो और ब्लू टिक भी लग गया, मतलब कहीं मैं सेलिब्रिटी तो नहीं। मैंने तो अपने लाइफ में भी नहीं सोचा था मुझे ब्लू टिक मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मम्मी को बताते हैं। मां मेरा ना इंस्टा में 50,000 फॉलोअर्स हो गए, बताओ क्या खाओगे? बस एक पिज्जा खिला दो। हां तो ले आइए फिर। इससे पहले कि मैं मार खाता, मैंने मम्मी के हाथ में ये थमा दिया और इस चीज की मम्मी को बहुत जरूरत है। वैसे इसमें कढ़ाई और पैन है क्योंकि पुराने वाले पैन टूट गया था तो मम्मी को दिक्कत हो रही थी और कढ़ाई का तो हाल पूछो ही मत। तो सोचा ब्लू टिक की खुशी में मम्मी को ही खुश कर देते हैं, बस मम्मी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपना क्या है, बस कट रही है जिंदगी। लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ और, दरिंदा बने से पार्टी ना ले ऐसा हो सकता है क्या? तो बस ब्लू टिक लगते ही आ गया पार्टी ले, उबला हुआ अंडा मांग रहा है। तो चलिए फिर आज इसको बन ऑमलेट खिलाते हैं। पहले बन को ऊपर से टकला करो, फिर प्याज टमाटर और अंडा को डाल के नमक डाल दो, बस फिर कढ़ाई में 10 मिनट ढक दो, बन गया आपका बन ऑमलेट। अच्छा ये ब्लू टिक हमको नहीं मिलेगा? ब्लू टिकवा तो नहीं, पनीर टिक्का तुमको जरूर मिल जाएगा, खाएगा? पनीर टिक्का तो लाइफ में खाया नहीं है, चला है ब्लू टिक लेने। खैर मैं बन ऑमलेट खा लेता हूँ, बाकी ब्लॉच और लाइक।